जयपुर एयरपोर्ट से एक प्लेन के हाईजैक होने और इसके बाद एक यात्री की ओर से पीएम को भी इसे लेकर ट्वीट करने की खबर सामने आई है। हालांकि पीएम को मिले ट्वीट के बाद जयपुर पुलिस कमिश्नरेट को आनन-फानन में सूचना दी गई और पुलिस ने मामले की जांच कर ट्वीट करने वाले यात्री से एयरपोर्ट पर पूछताछ की। पुलिस ने बताया कि जयपुर में कोई विमान हाईजैक नहीं हुआ है, लेकिन यात्री के पीएम मोदी को प्लेन हाईजैक करने के ट्वीट ने एक बार न केवल जयपुर बल्कि देश में सनसनी जरूर फैला दी थी। बाद में ये पूरा मामला झूठा निकला, लेकिन एक ट्वीट ने पुलिस महकमे को हिला कर रख दिया। एयरपोर्ट पर भी एक बार हड़कंप मच गया। पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।